आज दीपा श्रीवास्तव बच्चों को फेस्टिवल की ड्राइंग सिखाने जा रहे हैं। अभी काफ़ी फेस्टिवल आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम रक्षाबंधन सिखाते हैं बच्चों को। सबसे पहले आपको ओवल शेप बनाना है, इधर ओवल शेप बनाना है। ये ब्रदर और सिस्टर हो गई, अगर दो सिस्टर हैं आपके पास तो दो सर्कल बनाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। इसका फेस इस तरफ रहेगा और गर्ल्स का फेस इस तरफ रहेगा, ठीक है। ऐसे आप पहले बना लेंगे, ये ऐसा आपको दिख रहा है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे नेक बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अभी फिफ्थ से लेकर के एट तक के बच्चों का ड्राइंग कम्पिटिशन भी है और उनका ड्राइंग एग्ज़ाम भी है, डबल लाइन लेना है तो एनी फेस्टिवल भी आ सकता है। तो उसमें आप ऐसे ये करेंगे, स्टेप से बनाएंगे, पलथी लेके बैठा हुआ है सिटिंग पोजिशन, ठीक है। इसके इस हैंड को इधर हाथ से लगाएंगे, यहाँ पे राखी लगी बनेगी। इस हैंड में ब्रदर जो है, भाई है, वो गिफ्ट लेके बैठा हुआ है। ऐसा कोई थीम दिमाग में बना करके ड्राइंग बनानी है आपको, ठीक है। ये बन गया। अभी जो सिस्टर है वो इस तरह से बनाना है, उसका हल्का स्लैंटिंग ही लेना है, पैक फ्रॉक वाला पोजीशन लेना है। ऐसा ऐसे बैठी हुई तो ये पैर बैंडिंग करके बैठी है, यहाँ पे हैंड ऐसा हो जाएगा। इस वाले हैंड को ऐसा ला करके इधर से ला करके टर्न करना है और इस जगह पे यहाँ से राखी आएगी, इसकी इस हैंड से बंधेगी। बिग राखी दिखानी ताकि राखी जो मेन फेस्टिवल है वो आपका दिखे। अभी यहाँ पे बाल में कुछ स्टाइल देनी है तो आप स्टाइल दे दीजिए, पोनी बनाई तो पोनी यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ चाहिए तो इधर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी एक फिगर आपको बनाना है गर्ल की, एक भाई बहन भी बन सकते हैं लेकिन इसको मैं तीन या चार फिगर बोलते हैं बनाने को। आप चेंज कर सकते, दो ब्रदर एक सिस्टर कर सकते हैं। ये ऐसे गिफ्ट लेके बैठी भाई के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, यहाँ से इसको पैक करना है। ये वॉल हो गया आपका, इधर स्लैंटिंग लाइन खींच देनी है आपको। ये आपको रूम मिल गया, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन, ये भी स्लैंटिंग लाइन खींचनी है आपको। इधर से यहाँ से स्लिपिंग लाइन खींचनी है, इधर पीछे स्लिपिंग खींचनी है। ये आपका मैट बन गया, मैट पे बैठी हैं बच्चे। यहाँ पे आप थाली के ऊपर दिए, मिठाई, स्वीट्स, ये सब राखी रख देंगे, दो तीन राखियाँ रख देंगे इधर। इसके बाद इस थाली में अच्छत, कुमकुम, दही और कुछ स्वीट्स, इस टाइप से आप कुछ भी बना सकते हैं इस टाइप से, और डबल लाइन करके 3D इफेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से ये ड्राइंग आपकी बन जाएगी। इसके बाद इसकी आईज इस तरह रहेगी, आईज बड़ी बड़ी बनानी है, स्माइली एकदम इजी वाले, क्योंकि बहुत समय नहीं लगाना है स्कूल में, बहुत कम समय मिलता है, तो आपको जल्दी ड्राइंग बनानी है। अगर आपको फाइव मम्मी पापा बनाना है तो यहाँ पे एक मम्मी पापा खड़ा कर दीजिए, यहाँ पे इस जगह पे पापा को स्टैंडिंग में दे दीजिए, इधर पे खड़ा कीजिए। ये बॉक्स, ऐसा बॉक्स बनाना है, डबल लाइन करनी है, ये यहाँ तक रहेगा, ये वाला पोर्शन पीछे वाला छुप जाएगा इस तरह। तो ये वाली ड्राइंग जितनी है ये वाली इरेज हो जाएगी, पहले बनाना है उसके बाद में इसको इरेज कर देना है। ये देखिए स्टेप्स ले लेना आपको, ये फेस हो जाएगा। पापा बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, या हैंकी रख दी है इसके ऊपर स्टेप से, और ये वाला हैंड इनका स्टेप्स रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप बाद में कलर करते समय ये सब आपको करना है। और इधर भी मम्मा आप दिखा दीजिए, मम्मी खड़ी है,
ये बैठी हैं, जैसा चाहिए आप, एकदम इजी बता रहे हैं। यहाँ से दुपट्टा हो जाएगा मम्मी की साड़ी का, दर्द हो रहा है, एक मिनट एक मिनट। फिर आपको ऐसे आइस बना देना है, फिर आपको ऐसे फिगर बनाना है, ये सब इरेज कर देनी लाइन, ठीक है। और यहाँ पे आपको मनो हैप्पी रक्षाबंधन लिखिए, इस टाइप से तोरण लगा दिए थोड़ा सा, इस टाइप से तोरण लगा दीजिए आप। और यहाँ पे डोर बना दीजिए, घर के अंदर का डोर। तो ये आप रक्षाबंधन की आपकी ड्राइंग रेडी हो जाएगी। ये सिंपल सा आपको मैंने बता दिया है, ये देख लीजिए पूरा एकदम सिंपल है, जो फटाफट बन जाएगा। कलर में भी आप वाटर कलर यूज़ करेंगे स्कूल में, इस जगह पे आप स्टैंडिंग लाइन में कलर डालेंगे, ये वाली जो वॉल की जो एरिया है उसमें स्टैंडिंग में कलर आप इन करेंगे। इसको फिफ्थ से वाटर कलर शुरू हो जाता है, तो आप फिफ्थ से इसमें वाटर कलर यूज़ करेंगे। इसमें यहाँ पर आप स्लीपिंग लेंगे, यहाँ पे आप रेड रंग का भी मैट बना सकते हैं, ग्रीन बना सकते हैं, जिस रंग का भी कोई मैट चाहिए वो यहाँ पे कलर डालेंगे स्लीपिंग में, ठीक है। अभी रेड रंग की इसकी कोई ड्रेस नहीं बनाएंगे, अगर रेड रंग आप डाल देते हैं तो इसमें रेड रंग की कोई भी उसकी ड्रेस नहीं देंगे आप, अलग कलर येलो ग्रीन पर्पल कुछ भी पर्पल कोई भी कलर डाल सकते हैं। जैसे हमने ये डाल दिया, दोनों मैचिंग कर दिया, इसका टी शर्ट यहाँ पर डाल दिया, तो आप अलग कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। नीचे का जो बैकग्राउंड है उसमें ग्रे डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने ग्रीन ले लिया इस टाइप से, तो इस टाइप से आप पूरा कलर को करेंगे। कलर का आइडिया आप खुद लगाएंगे, ये ग्रे कर दिया यहाँ पे, ये पीछे का ये रेड ले लेना है, दिखा दे रहा आपको, इस जगह पे भी रेड आएगा। मैट के आगे पापा खड़े हैं, बच्चे ये छोटी छोटी जगहों को भूल जाते हैं, ये देखिए थोड़े से जगह यहाँ पे इसको भूल जाते हैं, इसको बताने के लिए इस जगह को भूल जाते हैं कलर करना, तो ये सब ध्यान देना है। एनी फेस्टिवल में ये रक्षाबंधन, आपका भी इंडिपेंडेंट डे भी आ जाता है, इस टाइप से ये सब चीज़ें अब करनी है। ब्लू रंग की पैंट बना देंगे, जीन्स पहने या पापा भी जीन्स पहने हैं तो पहले ब्लू से आउटलाइन करेंगे, लाइट ब्लू डालना, लाइट ब्लू डालिए, इसी में वाइट कलर मिला दीजिए, इसी में वाइट कलर मिलाएंगे तो अलग कलर सा बन जाएगा। ये देखिए ठीक है, स्टेप्स आप कर सकते हैं इसको। ऑरेंज रंग की शर्ट टी शर्ट पहना दीजिए, पापा को ऑरेंज रंग की शर्ट पहनाइए, मम्मी को इधर ऑरेंज रंग का ये ब्लाउज पहनेंगी, ग्रीन रंग की साड़ी डाल दीजिए, ग्रीन कलर की साड़ी डाल दीजिए, स्टेप्स ही आप पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, विंडो है तो थोड़ा स्काई, पीछे रेनी सीजन में आता है तो आप बादल दिखा देंगे विंडो के बाहर, अगर विंडो है या आप अपना लिखना चाहते हैं तो ये बादल आप इस बादल दिखा देंगे, ग्रे कलर डाल देंगे क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, ये सारे फेस्टिवल बारिश में आते हैं, तो आपको अगर रेनी सीज़न भी आ गया तो आप रेनी सीज़न में फ़न विथ माई फ्रेंड के साथ आप फेस्टिवल के ड्राॅइंग को भी लेकर के आप उसमें कलर डाल सकते हैं। ये हल्का स्लैंडिंग कर देंगे कलर बारिश की वजह से, और यहाँ पे ब्राउन से इसकी आउटलाइन करेंगे, ये आप उसको ब्राउन से कर देंगे,
और इधर जो डोर है इसको भी ब्राउन से कर देंगे आप। तो अगर डोर बंद है तो आप बंद दिखाएंगे, खुला है तो फिर आपको इधर, मैं यहाँ बंद करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे फ्लावर वास रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए टाइप से, अपने मन से डायरेक्ट कलर के ऊपर से आप डेकोरेशन कर सकते हैं इसको। ये सब ड्राइंग जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम स्कूल में मिले तब आप करिएगा, वरना पहले जितना हमने बताया उतना ड्राइंग पहले बनाना जरूरी है, उसके बाद ये सब एक्स्ट्रा वर्क है जो आप बाद में भी कर सकते हैं डेकोरेशन का। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ढेर सारे लोगों को शेयर कीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन की ड्राइंग है इसको, ठीक है। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।